भारत सरकार के मॉडल सिटीजन चार्टर को हिमाचल में 15 अगस्त से लागू कर दिया जाएगा। ई पंचायत में लगातार दो मर्तबा देश भर में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहाड़ी राज्य को सिटीजन चार्टर के माध्यम से हर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाला देश का ऐसा पहला राज्य बनने के लिए जयराम सरकार कृत संकल्प है। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान बताया कि अभी तक जनता को डेट ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिज सर्टिफिकेट व राशन कार्ड जैसी 5 सर्विसेज उपलब्ध करवाई जा रही हैं, लेकिन जल्द ही कई अन्य सुविधाएं भी इसके तहत शुरू की जाएंगी। उन्होंने बताया कि विभाग केंद्र सरकार के मॉडल को स्टडी कर रहा है और उसमें जो भी नई सर्विसेज होंगी उसे भी प्रदेश में लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके तहत एक निश्चित समय अवधि में लोगों को पंचायतों में भी सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सिटीजन चार्टर तैयार किया जा रहा है जिसे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस सिटीजन चार्टर में पंचायत अकाउंट्स, परिवार रजिस्टर के साथ साथ पंचायत व ग्राम सभा की तमाम प्रोसीडिंग ऑनलाइन की जाएगी, जिससे संबंधित पंचायत का कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह ऑनलाइन इसे देख पाएगा। इसके अलावा पंचायत के माध्यम से मिलने वाली सर्विसेज को टाइम बाउंड किया जाएगा, जिससे किसी व्यक्ति को बीपीएल प्रमाण पत्र प्राप्त करना है तो इसके लिए पंचायत को टाइम बाउंड होगा और तय समय अवधि के अंदर ही उक्त व्यक्ति को बीपीएल प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जाएगा। में हम सिटीजन चार्टर 15 अगस्त से पहले पहले लागू कर रहे हैं। जैसे अभी केंद्र से सिटीजन चार्टर की शुरुआत हुई है और हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारी जो पंचायती राज है, हमने पहले ही ई पंचायत में हमें पहला पुरस्कार जो है वो पूरे देश के अंदर मिला। लगातार 2 वर्ष हमें ये पुरस्कार जो है वो से जो है वो हिमाचल प्रदेश जो है वो नवाजा गया है। और इसके लिए जहाँ हम 5 सुविधाएं डेट ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिज रजिस्ट्रेशंस, अपना जो दूसरे राशन कार्ड, ये सारी सुविधाएं जो है वो हम पहले से ही जो है वो दे रहे हैं, लेकिन और नई सुविधाएं जो प्रदेश की सरकार साथ में करेगी तो उसको भी जो है वो साथ में जोड़ा जाएगा। तो ऐसी सिटीजन चार्टर्स को लागू करना हम चाह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश जहाँ ई पंचायत में पहले नंबर पर है, पूरे देश के अंदर इन सुविधाओं को लागू करने में पहले नंबर।